कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूं। प्रियंका को इंदिरा अम्मा कहा गया तेलंगाना में। प्रियंका ने इस पर जिस तरह से रिएक्ट किया वो समझने जैसा है। पहली बार नहीं है जब इंदिरा गांधी से उनको कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन अब प्रियंका इसको गंभीरता से ले रही है और प्रियंका इस इमेज के साथ में उतरने के लिए तैयार हो गई हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। प्रियंका और इंदिरा गांधी, इन दोनों को आज साथ रख के नहीं देखा जा रहा है। जब प्रियंका को राजनीति में इंट्रोड्यूस ही किया गया था तो उनका लुक, उनका साड़ी पहनने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें चर्चा में आई थी, बहुत सालों से चर्चा में है। लेकिन प्रियंका राजनीति में यूं ही नहीं आ गई, बच्चे छोटे थे तब तक उन्होंने राजनीति से दूरी बनाकर रखी। अलबत्ता वो अपनी माँ और अपने भाई के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखती थी, सीमित रहता था उनका प्रचार। लेकिन अब प्रियंका न सिर्फ पार्टी की महासचिव है बल्कि सबसे बड़े चेहरे के तौर पर वो उभर कर आई हैं, खास तौर पर हिमाचल की जीत और कर्नाटक में जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया है उसके बाद वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर अब दिखाई पड़ रही हैं। और प्रियंका की ये इमेज सिर्फ किसी विधानसभा चुनाव तक या पार्टी के एक स्टार प्रचारक तक सीमित नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के दोबारा खोए हुए दिन वापस लाने का एक प्रयास भी दिखाई पड़ता है। कांग्रेस को बहुत उम्मीदें उनसे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को तेलंगाना में अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें लोग नई इंदिरा अम्मा कहते हैं तो वो उसे बहुत गंभीरता से लेती हैं। अब खुद कहना, देखिए अभी तक लोग कहते थे लेकिन अब प्रियंका इस बात को स्वयं सामने रख रही हैं कि उन्हें जब लोग इंदिरा अम्मा कहते हैं तो उसे वो बहुत गंभीरता से लेती हैं। प्रियंका ने कहा कि इस जिम्मेदारी के एहसास के बाद वो मंच पर खड़े होकर कोई झूठा वादा नहीं करती हैं, कोई झूठी बातें नहीं बता सकती हैं। देखिए, यानी प्रियंका को जो इंदिरा अम्मा कहा जा रहा है वो इस बात को स्वीकार रही हैं कि लोग भी, उनके समर्थक भी उनमें इंदिरा गांधी की इमेज को देख रहे हैं और वो उसको जस्टिफाई करना चाहती हैं। इंदिरा गांधी का राजनीतिक करियर तमाम संघर्षों से जुड़ा रहा, पार्टी में इसी तरह की टूट फूट देखने को मिली। पूरे राजनीतिक करियर को आप देखेंगे तो उसमें संघर्ष ही संघर्ष दिखाई पड़ेंगे, बहुत आसान नहीं था उनके लिए। प्रियंका एक ऐसे समय पर राजनीति में फुल फ्लेज्ड आई हैं या पूरी तरीके से उतरी हैं जब कांग्रेस जो है वो बहुत कमज़ोर स्थिति में दिखाई पड़ती है, खासतौर पर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो। हालांकि धीरे धीरे कांग्रेस की वापसी की उम्मीद जागी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कर्नाटक में भी जिस तरह से प्रचार किया है, जो रणनीति बनाई जा रही है, खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया, गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष बनाया गया, तो कांग्रेस ने अपनी रणनीतियों में परिवर्तन किया है। हालांकि गुजरात में जिस तरह का प्रदर्शन रहा वो चिंता का विषय भी है, हिमाचल की जीत ने उत्साहित भी किया है, कर्नाटक में क्या होता है इसका इंतजार भी है। इस सब के बीच में प्रियंका के आने से कांग्रेस को फायदा होगा ऐसा तमाम नेता मानते, आज नहीं मानते, पहले भी मानते थे तब जब प्रियंका इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब पूरी तरह से मैदान में उतर आई है। तो उनमें क्या इंदिरा गांधी की इमेज को देखा जा रहा और इंदिरा के तौर पर ही, यानी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अब उनको सामने रखा जाएगा। देखिए, इंदिरा गांधी के बाद में सोनिया गांधी जो है वो दूसरा बड़ा चेहरा रही कांग्रेस की राजनीति के लिए। सोनिया गांधी की तो कहानी बिल्कुल अलग है, वो राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन न सिर्फ वो राजनीति में आई बल्कि सफलतापूर्वक उन्होंने UPA 1 और UPA 2 जैसी दो सरकारें भी कांग्रेस की बनवाई। अलबत्ता प्रधानमंत्री जो बने वो डॉक्टर मनमोहन सिंह बने और सोनिया गांधी को के त्याग के तौर पर भी इसको देखा जाता है कि वो बन सकती थी प्रधानमंत्री, कांग्रेस इसे इस तरह से प्रचारित करती है। अब बारी है प्रियंका की, राहुल के लिए भी तैयारियां चल रही है, लेकिन राहुल खुद कहते रहे कि उनके खिलाफ एक मशीनरी ने काम किया है, बहुत पैसा लगाया गया, उनकी इमेज को खराब किया गया। आए दिन आप अभी भी मीम्स देखते हैं, कई वीडियोस को देखते हैं, हालांकि राहुल गांधी की इमेज में बहुत परिवर्तन आ रहा है, लेकिन प्रियंका की इमेज बिल्कुल अलग रही है। उनके भाषण देने का अंदाज, उनके जो तेवर हैं, जिस तरह से वो हमले करती हैं, जिस तरह से लोगों के बीच अचानक जाकर मिलती हैं, ये सारी चीज़ें उनको एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर प्रस्तुत करती हैं। लिहाजा प्रियंका भी अब इंदिरा अम्मा वाली इस इमेज के साथ में मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इंदिरा अम्मा कहे जाने पर झूठे वादे नहीं कर सकती, ये बात उन्होंने कही। तेलंगाना में रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने खुद को नई इंदिरा अम्मा कहे जाने पर अपनी बात रखी। प्रियंका ने कहा कि उन्हें नई इंदिरा अम्मा बोले जाने पर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। वहीं प्रियंका ने कहा कि आप मुझे कहते हैं कि मैं नई इंदिरा अम्मा हूं, यह हल्की बात नहीं है। अब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। कारण है कि आप उस महिला को याद करते हैं जो एक समर्पित और ईमानदार नेता थी, जो देश के लिए शहीद हो गई। तेलंगाना चुनाव की तैयारी में 6 महीने पहले से जुटी हुई हैं प्रियंका।
प्रियंका ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले प्रदेश की जनता का आह्वान किया है वो एक ऐसी सरकार चुने जो उनके हित में काम करे। उन्होंने इस मौके पर एक युवा संकल्प भी जारी किया जिसमें बेरोजगारी भत्ते समेत युवाओं के लिए कई वादे किए गए। उन्होंने कहा, जब सैकड़ों युवाओं ने तेलंगाना के लिए कुर्बानी दी तो मेरी माँ सोनिया गांधी जी ने गहराई से समझा कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। अगर सोनिया जी उस वक्त सत्ता और अपनी पार्टी और राजनीति के बारे में सोचती तो शायद ये निर्णय नहीं ले पाती, लेकिन सोनिया जी ने आपके बारे में सोचा तभी ये निर्णय लिया गया। और अक्सर उनकी तुलना जो है वो इंदिरा गांधी से होती रही है, कोई पहली बार तो है नहीं जो इंदिरा अम्मा ये जो है ये नया टाइटल है। अब इसका कितना इम्पैक्ट, देखिए दक्षिण की राजनीति में भी इंदिरा जी का एक बड़ा जलवा था, उनकी बड़ी ताकत थी। चिकमंगलूर से उन्होंने वापसी की थी जिस वक्त वो जेल गई और उसके बाद में उनकी राजनीति में उथल पुथल चल रही थी। तो यही कर्नाटक का दक्षिण का राज्य था। अब कर्नाटक से ही क्या प्रियंका गांधी और मजबूत होंगी, राहुल गांधी और मजबूत होंगे? तेलंगाना में जो रैली हुई है बेशक वो 6 महीने पहले दिखाई पड़ती है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ये कई राजनीतिक दल करते रहे। हर राजनीतिक दल करता है कि जहाँ पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो उसके आसपास या कहीं अन्य जगहों पर चुनाव प्रचार किया जाता है, इसका भी इम्पैक्ट होता है। तो प्रियंका ही क्यों, क्योंकि प्रियंका का चेहरा जो है वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रखा गया है। मैंने कल आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाई थी कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी से ज़्यादा रैलियाँ प्रियंका की हुई हैं। निश्चित तौर पर उनकी डिमांड ज़्यादा थी, महिलाओं में उनकी लोकप्रियता, युवाओं में उनकी लोकप्रियता और उनकी रैलियों में रोड शोज में लोगों का जुटना, इन्होंने प्रेरित किया होगा इन सारी बातों ने कि कांग्रेस ने उनकी रैलियों को और ज्यादा किया। उनकी तुलना अक्सर इंदिरा गांधी से होती रही है, अक्सर प्रियंका से कार्यकर्ता कहते हैं कि वो बिल्कुल अपनी दादी जैसी दिखती हैं। प्रियंका गांधी में पूर्व प्रधानमंत्री और प्रियंका की दादी इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है, बात अक्सर उनसे कही जाती है। इससे पहले एक वीडियो भी हमने आपको दिखाया था जब प्रियंका कानपुर में किसी कार्यक्रम में थी, वहाँ कांग्रेस के समर्थकों ने प्रियंका गांधी की तुलना दादी इंदिरा गांधी से की थी। प्रियंका ने कहा था, मैं इंदिरा जी के सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो सेवा की भावना उनके दिल में थी मेरे दिल में है, मेरे भाई के दिल में है। आपको तस्वीर याद होगी जब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जमीन विवाद में मारे गए गोंड आदिवासी परिवारों से मिलने गई थी। सोनभद्र जाते हुए उन्हें रास्ते में रोका गया था तो वो धरने पर बैठ गई थी। वैसे ही जैसे 1977 में सत्ता से बाहर रहने के दौरान इंदिरा गांधी ने बिहार के एक गांव में हुए दलितों के नरसंहार के बाद पीड़ितों से मुलाकात की थी। इन दोनों की ये तस्वीर जो आप यहां पीछे देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। प्रियंका और इंदिरा गांधी को जोड़कर अक्सर देखा जाता है। प्रियंका पहले मना करती थी लेकिन अब तुलना को गंभीरता से ले रही है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तेलंगाना की रैली में प्रियंका ने जिस तरह से जवाब दिया निश्चित ही ये बताता है कि अब वो इंदिरा गांधी से तुलना को गंभीरता से लेती हैं। पहले प्रियंका समर्थकों को कहती थी कि मैं उन जैसी नहीं हूं या नहीं बन सकती हूं वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें वो कहती थी। लेकिन प्रियंका आप कह रही हैं कि जब उन्हें नई इंदिरा अम्मा कहा जाता है तो उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होता है, यानी वो जानती हैं कि लोगों की भावनाएं अगर इससे जुड़ रही हैं तो इस बात को रखा जाना चाहिए, ये इमेज उनके लिए पॉजिटिव है। कांग्रेस अब प्रियंका के साथ जाने की तैयारी में भी है, ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि प्रियंका भी एक चेहरा है। राहुल गांधी तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा चेहरा है लेकिन प्रियंका भी पैरेलल एक चेहरे के तौर पर तैयार हो रही हैं। हिमाचल, यूपी और कर्नाटक के बाद अब प्रियंका तेलंगाना और MP की तैयारी में जुटी हैं, यानी पूरी तरह से प्रियंका अब सक्रिय राजनीति में है। और अगर अपेक्षित सफलता मिलती है तो ये निश्चित मानिए कि 2024 के चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा हो सकती हैं। इंदिरा और प्रियंका का समय अलग है, चुनौतियाँ अलग हैं, लेकिन निश्चित तौर पर चेहरा चेहरा होता है, एक चेहरा बहुत बड़े बदलाव कर देता है। राहुल गांधी के चेहरे को लेकर विपक्ष की आम सहमति इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि वो ये मानते हैं कि जिस तरीके से उन पर हमले हुए, जो उनकी इमेज गढ़ी गई है, वो प्रधानमंत्री मोदी को और BJP को फायदा पहुंचा देती है। प्रियंका के साथ ये समस्या नहीं है, प्रियंका की लोकप्रियता कहीं कम नहीं है। प्रियंका गांधी जहां अभी रोड शोज कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वक्ता के तौर पर भी देखा जाए तो प्रियंका गांधी की भाषण शैली, उनका अंदाज, ये लोगों को बहुत अपील करता है। और निश्चित तौर पर सिर्फ लुक वाइज ही नहीं, दिखने में ही वो अपनी दादी की तरह नहीं दिखाई दे रही हैं, उनके बोलने के अंदाज और राजनीति के अंदाज में भी काफ़ी बदलाव, काफ़ी परिपक्वता उनकी दादी की तरह अब देखने को मिल रही है। देखना होगा कि कांग्रेस को इसका क्या फायदा मिलता है, देखना ये भी होगा कि क्या 2024 में प्रियंका ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी के साथ सामने आती है। मन से उजाला।